हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज। यहाँ पर बड़ा ही प्यारा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर सडनली अर्थ रोटेट करना छोड़ दे, ठीक है, अगर अर्थ का रोटेशन सडनली स्टॉप हो जाए, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर। ठीक है, ये सवाल आपका है। ऑप्शन है, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कोई चेंज ही नहीं आएगा। और ऑप्शन डी आपका कह रहा है फर्स्ट इट विल इंक्रीज, देन इट विल डिक्रीज। इसके साथ साथ एक सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन में आप एडअप कर सकते हैं, आपका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल पर कैसे इफेक्ट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बेसिक है, इजी है, बस एक बार आप इक्वेटर पर बताइए किस तरीके से चेंज आएगा, अगर आएगा तो, ठीक है। और सेकंड पार्ट बताइए कि पोल पर कैसे चेंज आ रहा होगा। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कर कर जस्टिफिकेशन पूरा आप देना कि आप ऐसा ऐसा क्यों आंसर दे रहे हैं। ठीक है, जो भी ऑप्शन आपको लगता है सही है उसको कमेंट करिए, उसके साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी दीजिए कि इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं गाइस अगले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जय हिंद, जय भारत, जल्दी मिलते हैं, लाइक।